एपिसोड की शुरुआत में हम ये गुआंग को देखते हैं। शू चीजांग उसे अपनी शॉप पर ले आया था और उसे कह रहा था, तुम्हें अपने बाल सुखा लेने चाहिए वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। वो खुद अपने हाथों से उसके बाल सुखाने लगता है। अब वो उसे कहता है, तुम यहीं बैठो जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म खाने को बना कर लाता हूँ। शू चीजांग उसके लिए कुकिंग करने के लिए जाता है और ये गुआंग उसकी तरफ ही देखता रहता है। चीजांग उसके लिए सूप बनाकर ले आता है। ये गुआंग जब उसे पीना शुरू करता है, अचानक उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो शू चीजांग उससे पूछता है, क्या हुआ, क्या ये अच्छा नहीं बना है? तो ये गुआंग कहता है, नहीं, बस ये बहुत गर्म है। चीजांग कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक नया बाउल ले आता हूँ। तो ये गुआंग कहता है, नहीं, ये बहुत अच्छा बना है, थैंक यू वेरी मच। चीजांग कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या तुम्हें पता है कि वैम्पायर्स स्पाइसी फूड क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो ब्लड पीते हैं। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। ये गुआंग भी हंसते हुए कहता है, ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब ये गुआंग उससे पूछता है, क्या हम दोनों सेम स्कूल से हैं? चीजांग कहता है, हाँ, मैं क्लास 206 से हूँ। ये गुआंग उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? चीजांग कहता है, मेरा नाम शू चीजांग है। दोनों साथ में बातें करते हैं। अब ये गुआंग बाहर आता है तो शू चीजांग की नज़र उसके पैरों पर पड़ती है, जहाँ उसके फुटवेयर काफ़ी डर्टी हो रहे थे। ये गुआंग को भी थोड़ा अजीब लगता है और वो शू चीजांग से कहता है, प्लीज़ ये बात हम दोनों के बीच ही रखना। चीजांग कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। अब चीजांग उससे पूछता है, क्या तुम घर तक राइड लेना चाहोगे? मेरे पास स्कूटर है। ये गुआंग पूछता है, अभी से तुम्हारे पास स्कूटर है? तो चीजांग कहता है, मैं ऑलरेडी 18 साल का हो चुका हूँ। स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम की वजह से मुझे एक क्लास रिपीट करनी पड़ी थी। ये गुआंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं कैब बुला लूंगा और कैब से चला जाऊंगा। वो अपने फ़ोन में चेक करता है तो कोई भी कैब उस एरिया के लिए अवेलेबल नहीं थी। वो शू चीजांग से कहता है, यहाँ कोई भी कैब अवेलेबल क्यों नहीं है? शू चीजांग कहता है, तभी तुम्हें कह रहा हूँ, मेरे साथ स्कूटर पर बैठो, मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ। और चिंता मत करना, मैं बहुत अच्छे से स्कूटर चला लेता हूँ। चीजांग ये गुआंग को हेलमेट देता है, पर उसे हेलमेट पहनना नहीं आ रहा था। चीजांग अपने हाथों से उसे हेलमेट पहनाने लगता है। उसके बाद वो उसे स्कूटर पर बैठने के लिए कहता है। जैसे ही वो स्कूटर चलाना शुरू कर देता है, ये गुआंग उसकी जैकेट को टाइटली पकड़ लेता है। चीजांग को इतना नर्वस फील हो रहा होता है कि स्कूटर चलाते वक्त उसे बहुत डर लगता है। तभी ये गुआंग कहता है, इतने बुढ़े अंकल भी हमसे इतनी आगे निकल चुके हैं, तुम बहुत स्लो चला रहे हो। चीजांग कहता है, मैं बस थोड़ा सा नर्वस हूँ, मैंने स्कूटर पर कभी भी अपनी माँ के अलावा किसी को नहीं बिठाया है। ये गुआंग कहता है, कोई बात नहीं, पर तुम स्कूटर काफ़ी अच्छा चला रहे हो। अचानक से उन दोनों का बैलेंस बिगड़ता है, स्कूटर फिसल जाता है, पर किसी को चोट नहीं आती। चीजांग तुरंत ये गुआंग के पास आकर कहता है, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? ये गुआंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चीजांग का चश्मा बिल्कुल टेढ़ा हो गया था तो ये गुआंग उसे देखकर हंसने लगता है। चीजांग कहता है, तुम मुझ पर हंस क्यों रहे हो? तो ये गुआंग कहता है, क्योंकि तुम हो ही बहुत फनी। दोनों अब कुछ समय के लिए वहीं बैठ जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। तभी ये गुआंग कहता है, ओ नो, काफ़ी देर हो गई है, मुझे तो अभी बहुत सारा होमवर्क भी करना था। शू चीजांग कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे है, आज के दिन तुम रिलैक्स कर ही सकते हो ना? तो ये गुआंग कहता है, मैं रिलैक्स नहीं कर सकता, मैं अपने मॉम डैड को लेट डाउन नहीं करना चाहता, उन्हें मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, स्पेशली डैड को। काश मैं यहाँ और रुक सकता, पर अब मुझे जाना होगा। अगली सुबह जब वो स्कूल पहुँचता है तो वो सीधा शू चीजांग की क्लास में जाता है और उसके लिए पूछने लगता है। तो एक लड़की कहती है, चीजांग तू अभी यहाँ नहीं है, तुम्हें कुछ काम हो तो मुझे बता दो। पर ये गुआंग कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं बाद में उससे मिल लूँगा। जब वो बाहर आता है तो एक लड़का पेंटिंग लेकर जा रहा था जो अभी भी गीली थी। चैन जुनवे की नज़र ये गुआंग पर पड़ जाती है। वो उस लड़के से कहता है, तुम्हें टीचर इस पेंटिंग को लेकर वहाँ बुला रहे हैं। वो जानबूझकर उसे ये गुआंग की तरफ जाने का इशारा कर देता है। वो जैसे ही उस तरफ मुड़ता है, वो ये गुआंग से टकरा जाता है। ये गुआंग की पैंट पीछे से पूरी गंदी हो जाती है। चैन जुनवे उसे देखकर हंसने लगता है। तभी चीजांग ये गुआंग के पास आता है और अपनी स्वेटर निकालकर उसकी पैंट पर रैप कर देता है। वो उससे कहता है, हम दूसरी साइड चलते हैं और तुम्हारी पैंट को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। चीजांग बहुत कोशिश करता है, पर ये गुआंग की पैंट पर से वो दाग नहीं जा रहा था। ये गुआंग कहता है, आज मुझे फॉरेन स्टूडेंट्स को अटेंड करना था, अब मैं कैसे जाऊँगा? तभी चीजांग खड़ा होता है और अपनी पैंट निकालने लगता है। ये गुआंग उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो चीजांग कहता है, हम दोनों पैंट्स स्विच कर लेते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम भी जल्दी से अपनी पैंट निकालो। तो ये गुआंग कहता है, पहले तुम पीछे घूम जाओ। चीजांग अपनी आँखें छुपा लेता है और ये गुआंग अपनी पैंट निकालता है।
दोनों पैंट स्विच कर लेते हैं। चीजांग अब उससे कहता है, अब तो सब कुछ ठीक है ना? ये गुआंग कहता है, हाँ पर मुझे अभी भी बहुत नर्वस फील हो रहा है। चीजांग कहता है, तुम कर लोगे, मुझे विश्वास है, चिंता मत करो। शैन जुन भी उन दोनों को साथ में देख रहा होता है। अब वहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं। ये गुआंग उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल करता है और उसके सीनियर उसकी बहुत प्रशंसा भी करते हैं। अब ये गुआंग अपने दोस्त फैन रिहाओ यानी रे के साथ अंदर आता है तो रे देखता है फिर से ये गुआंग के लिए किसी ने एक नोट छोड़ा था, साथ में ब्लैक टी भी थी। नोट में लिखा हुआ था, अगर हम परफेक्ट ना भी हो तब भी हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। रे ये गुआंग से कहता है, तुम कितने लकी हो, तुम्हारे पास तुम्हारी स्पेशल एंजल है। तो ये गुआंग उसे कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारे पास भी एक दिन तुम्हारा स्पेशल एंजल होगा। अब रे उससे कहता है, तुम इतना सब कुछ एक साथ कैसे हैंडल कर पाते हो, और अब तो तुम्हारे डैड ने तुम्हें एक नया टास्क भी दे दिया है, वो चाहते हैं कि तुम स्कूल का नया हेड बॉय बनने के लिए ट्राई करो, क्या तुम मैनेज कर पाओगे? ये गुआंग कहता है, जब तक मेरे पास प्लान्स होंगे मैं सब मैनेज कर लूँगा। अब रे को देखकर ये गुआंग सोचने लगता है, आजकल मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रे बस खुश होने का दिखावा कर रहा है। रात का सीन दिखाया जाता है, रे एक बार फिर रेस्टोरेंट में बैठा हुआ अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रहा था। रे एक क्रॉस ड्रेसर है। रेस्टोरेंट का वेटर जियान बार बार उसे नोटिस कर रहा था। वो उसके पास आकर कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? रे उससे कहता है, मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी रे के दिमाग में वही रात का सीन चल रहा होता है जब उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ था, और फाइनली उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पहुँच जाता है। रे उससे कहता है, तुम हमेशा की तरह लेट हो, तुम टाइम से क्यों नहीं आते? तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है, बस थोड़ा सा ही तो लेट हुआ हूँ। अब रे उससे कहता है, तुमने मेरे अंदर आज कोई डिफरेंस नहीं देखा? उसका बॉयफ्रेंड जो कि फ़ोन में लगा हुआ था वो उससे पूछता है, ऐसा क्या डिफरेंस है, रोज़ की तरह ही तो लग रहे हो। तो रे कहता है, आज मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है, वो भी वो लिपस्टिक जो तुमने मुझे दी थी। आजकल तुम मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे इटालियन रेस्टोरेंट लेकर जाओगे, पर हम फिर से इसी जगह आ गए हैं। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, इटालियन रेस्टोरेंट बहुत महंगा होता है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? रे कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ का खाना अफोर्ड कर पाओगे? रे काफ़ी सारी डिशेस के नाम बोल देता है और उससे कहता है, मुझे ये सब चाहिए। उसका बॉयफ्रेंड वेटर को बुला ही रहा होता है तभी एक लड़की उन दोनों को साथ में देख लेती है। वो गुस्से में अंदर आती है और उसके बॉयफ्रेंड से कहती है, तो तुम मुझे धोखा दे रहे हो, यहाँ इस लड़के के साथ बैठे हुए हो? उसका बॉयफ्रेंड कहता है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लड़की कहती है, अगर ऐसा है तो अभी के अभी इस लड़के को यहाँ से जाने के लिए कहो। वो सच में रे को वहाँ से उठने के लिए कहता है, तभी वेटर जियान वहाँ आ जाता है और उस लड़की से कहता है, ये क्या बदतमीजी है? वो उसकी गर्लफ्रेंड से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि ये किस तरीके का आदमी है, एक नंबर का धोखेबाज है, तुम्हारे जैसे लोग यहाँ अलाउड नहीं है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुला दूँ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रे अकेले बेचारा रेस्टोरेंट से बाहर जा रहा होता है, तभी जियान उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम अपना केक अंदर ही भूल गए थे। रे बहुत हर्ट था, वो जल्दबाजी में उस केक को खाने लगता है। जियान उससे कहता है, ये सब करना बंद करो। वो उसका माउथ क्लीन करता है। वो रे से कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस लायक नहीं था, उसके लिए अपने आंसू मत बहाओ। अब रे जियान से कहता है, मैं उसकी कार तोड़ने जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? दूसरी तरफ शू चीजांग कहीं निकलने की तैयारी कर रहा था, उसकी माँ उसे हेलमेट पहना रही थी। जैसे ही शू चीजांग वहाँ से निकलता है, अपनी कार में ये गुआंग भी वहीं पीछे खड़ा था। वो शू चीजांग को आवाज़ लगाता है, पर चीजांग वहाँ से जा चुका था। ये गुआंग अब उसका पीछा करता है। चीजांग की माँ ये गुआंग को देखकर सोचने लगती है कि ये लड़का कौन था। चीजांग का पीछा करते करते ये गुआंग एक जगह आ जाता है जहाँ उसे आजियान देख लेता है। जियान उसे कहता है, तुम चीजांग के फ्रेंड हो ना? और वो रिसेप्शनिस्ट पे बोलता है, इसे अंदर आने दो, ये चीजांग का फ्रेंड है। उसे अंदर जाने के लिए टिकट मिल जाती है। वो अंदर पहुँचता है तो अंदर एक शो चल रहा था जिसमें शू चीजांग सिंगिंग कर रहा था। चीजांग का पूरा बैंड था जिसमें जियान और दो तीन लोग और थे। वो सब लोग अपना शो कर रहे थे और काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे थे। ये गुआंग को भी उसका गाना बहुत पसंद आता है। ये गुआंग उस सब के वीडियो निकालने लगता है। ये गुआंग को चीजांग की सिंगिंग इतनी अच्छी लगी थी कि वो घर जाकर भी सिर्फ उसी के सॉन्ग को सुन रहा था और बार बार गुनगुना रहा था। इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।